हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपकी प्यार चंद दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब स्टोर में। दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि NCCS पुणे से आया, जिसमें आप देखेंगे PhD एडमिशन रिलेटेड नोटिफिकेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल को YouTube पे सर्च करना चाहते हैं तो आपको YouTube पे सर्च करना है दीपक बायोलॉजी क्लास इन जॉब ट्रेलर। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको YouTube पे मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन, चाहे आपका जो है साइंटिस्ट रिलेटेड पोजिशन हो, चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड पोजिशन हो, या आपका PhD MSc रिलेटेड नोटिफिकेशन जो आते हैं उनको मैं रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा जो है अगर आप जो है बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपका CSIR का एग्जाम हो, चाहे आपका DVT GRF हो, चाहे आपका ICMR GRF हो, या आपका BSc MSc रिलेटेड बायोलॉजी से रिलेटेड जो कंटेंट रहता है उसको मैं यहाँ पे रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट की वीडियोज रेगुलरली आप पा सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं वो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। तो ये जो आया ये नेशनल सेंटर ऑफ सेल साइंस पुणे से आया। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने जो है एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम ऑफ मार्च 2022 सेशन, यानी 2022 सेशन के यहाँ पे PhD एडमिशन के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन आर इनवाइटेड। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका PG डिग्री है और आपके पास वैलिड फेलोशिप है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए, अगर आपके पास वैलिड फेलोशिप हो, चाहे आपका CSIR UGC DVT कैटेगरी वन आपका होना चाहिए, या आपका ICMR GRF या CSIR GRF UGC GRF या DVT GRF अगर आपके पास है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने क्लियरली मैंशन कर रखा है। इसके अलावा अगर आपका DST इंस्पायर है विद नेट LS और गेट आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। तो अगर आपके पास DST इंस्पायर फेलोशिप है लेकिन आपका यहाँ पे नेट LS होना चाहिए, यहाँ पे GRF नहीं बोला क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे आपको DST इंस्पायर मिलेगा लेकिन उसके साथ ही साथ आपका नेट LS भी होना कंपलसरी है, और आपका गेट भी अगर है तब भी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर आपके पास कोई भी फेलोशिप नहीं है लेकिन आपके पास जो है आपने JEE BIELS एग्जामिनेशन अगर जो कि TIFR कंडक्ट कराता है या NCBS कराता है, अगर वो भी आपने क्वालिफाई किया तब भी आप जो है डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये उन लोगों को NCCS जो है अगर शॉर्टलिस्ट किया होगा जिन्होंने JEE BIELS एग्जाम दिया है और पास किया है, तो वो लोग भी जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें ऑनलाइन इंटरव्यू की, तो इसका जो डेट है वो अपन 19, 20 एंड 21 जनवरी 2022 है, और जो डिटेल्ड एलिजिबिलिटी वो भी हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो है यहाँ पे खुद का फेलोशिप होना चाहिए, चाहे आपका वो CSIR GRF है, UGC GRF, DVT GRF, ICMR GRF या DST इंस्पायर, लेकिन अगर आपके पास DSC इंस्पायर है तो आपका नेट LS और गेट जो है वो क्वालिफाई हुआ होना कंपलसरी है। ठीक है, इसके अलावा ऑलरेडी मैंने बताया अगर NCBS ने आपको शॉर्टलिस्ट किया है JEE BIELS एग्जाम के थ्रू, तब भी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि अगर वो CSIR UGC नेट ही खाली है तो आप जो है इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। ठीक है, और आपको मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर PhD मार्च 2022 सेशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको यहाँ पे जो है आपको फिल करनी है। तो यहाँ पे देखिए, अगर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करिए। फिलअप करने के बाद आपको अपनी जो भी टेस्टिमोनियल्स हो, चाहे वो आपका MSc मार्क्स स्टेटमेंट हो या फेलोशिप सर्टिफिकेट प्रूफ आपको अपलोड करना पड़ेगा, या एडमिट कार्ड आपका जो भी आपने एग्जाम जो है GRF का क्वालिफाई किया है, और उसे सेंड करना है PhD admission@NCCS.RES.IN। और यहाँ पे आपको एक PDF फाइल बनानी है, और 1 PDF फाइल में आपके जो है MSc के टेस्टिमोनियल्स भी होनी चाहिए, और आपके साथ इसके साथ ही सारा आपका जो फेलोशिप सर्टिफिकेट है जो एज अ प्रूफ रहेगा आपका कि आपके पास खुद फेलोशिप है आपकी, और आपको सेंड कर देना है इस मेल ID पे PhD admission@NCCS.RES.IN। ठीक है, लेकिन आपको ईमेल पे जो सब्जेक्ट है वो भी मेंशन करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर PhD मार्च 2022 सेशन, तो ये जरूर आप मेंशन करिएगा। और इसका जो लास्ट डेट वो 6 दिसंबर 2021 है अप्लाई करने का। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपको जो है आपका शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का जो लिस्ट है वो 11 जनवरी 2022 को जो है वो NCCS के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो अपलोड कर दिया जाए। तो हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की डेट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लास्ट डेट जो है रिसिप्ट एप्लीकेशन का वो 6 दिसंबर 2021 है। पब्लिकेशन लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एट NCCS 6 जनवरी 2022। डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन इंटरव्यू 19, 20 एंड 21 जनवरी 2022 फ्रॉम 9 AM ऑनवर्ड्स। डिक्लेरेशन जो आपका रहेगा रिजल्ट का इंटरव्यू का
24 जनवरी 2022, इंटेक्शन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ गाइड बिफोर 2 फरवरी 2022, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ज्वाइनिंग एट NCCL 1 मार्च 2022। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं और आप रिसर्च में कुछ करना चाहते हैं या आप रिसर्च के लिए मोटिवेटेड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। NCCL इज वन ऑफ द लाइक बेस्ट रेपुटेड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूर अप्लाई करिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।